नमस्कार जयसील सिंह, मैं आपका अपना श्रवण सोलंकी सर। आज गुरुनीति 28 गुरुनीति टोटल 45 है। कैपेसिटर पे हमने एक पूरी गुरुनीति दी है, इलेक्ट्रोस्टेट पे 3 दी, 1 कैपेसिटर पे दे रहे हैं, तो 4 गुरुनीति हो गई यहाँ पे, यानी 160 करीब करीब इन चारों को मिला के हो जाएंगे। और मैं मानता हूँ कि यहाँ करीब करीब बैठा वाक होता है, शुरू करें बिल्कुल ओके आ जाए, वो या बात पूरी थोड़ी को लपेटते हुए जी बात पूरी करेंगे। डियर ओके आ जाओ। ये कहता था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यू नोट इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसिडेंट बिटवीन द प्लेट्स देन द न्यू पोटेंशियल एनर्जी। देखो पहले बात तो एक बात सुनो, यहाँ थोड़ी बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये कहता है कि प्लेट संधारित्र है, ठीक है डियर, पेज खाली करें भाई। तो पहले इस पे बात करते हैं, क्या है प्लेट संधारित्र, इस पे हमें डिस्कस करना होगा सोलंकी सर, क्योंकि इसके बिना तो आगे बढ़ना फिर मीनिंग नहीं है चीज का, बहुत सारी प्रॉब्लम और पूछी जाती है। हां बिल्कुल डियर, तो हमारे को ये कहता है कि ये प्लेट संधारित्र है, आप जानते हो ये प्लस है, ये माइनस, और ये आपका माइनस। अब एक्चुअल में क्या है कि ये एक कैपेसिटर हो गया जी, जिसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो, इधर भी बाहर क्या है, जीरो है। ये बात पहले बढ़ा चुके हैं, और ये प्लस से माइनस से माइनस प्लस से माइनस ओके डियर। तो ये एक्चुअल में ऐसे यहां पर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र ये ध्यान रख, कोयल एनर्जी स्टोर करती है एज ए मैग्नेटिक फील्ड, जी जी कैपेसिटर स्टोर करता है एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। देखो दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा हाफ सीवी स्क्वायर, गुरुजी का होता है हाफ एल आई स्क्वायर, जी 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 बिल्कुल। दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक। ये संधारित्र विद्युत क्षेत्र विद्युत ऊर्जा के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, कोयल कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा स्टोर करती है, मैग्नेटिक। बातों बातों में एक बात और आगे डियर, यहाँ कौन है हाफ सीवी स्क्वायर, वहां कौन है हाफ एल आई स्क्वायर। देखा जाए तो यहाँ जो काम सी करता है वहां वो काम एल करता है, यहाँ जो काम वी करता है वहां वो काम आई करता है, जोड़ लो बातों बात ओके डियर। तो ये कुछ बातें हमारी बीच में आ गई, अब हम आगे चले। तो एनर्जी स्टोर कितनी है हाफ सीवी स्क्वायर, दिस इज यू नोट बोल दो इसको, जी जी ये कितना हाफ है सीवी स्क्वायर। अब कई बार सी के रूप में नहीं होता है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है सीवी, यदि आपको सी रिप्लेस करना है तो क्यू बाई वी आएगा, तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जी जी। एक फॉर्मूला और भी होता है क्या क्यू वी बाई टू ध्यान दे क्लास, क्यू वी बाई टू सी वी डॉट वी, तो सी वी क्या होता है क्यू के बराबर, क्यू। ये तीनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं, इसको यूनिट कह दो, यूनिट कह दो कोई फर्क नहीं है। क्या है समानांतर प्लेट संधारित्र जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, कितनी करता है हाफ सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी क्यू वी बाई टू। अब तीन में से जो भी दो डेटा दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको बात कर लेते हैं। और यार एक सोलंकी सर बात दिमाग में आती मेरे, ये प्लेट संधारित्र है, ठीक है डियर, यहाँ दो चीजें बहुत काम आएंगी जी, क्या काम आएंगी, इसका मास्टर फॉर्मूला क्या होता है क्यू सी डी, इसका सी क्या होता है एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। बिल्कुल, कोई प्लेट संधारित्र जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसकी धारिता जो होती है वो एप्सिलॉन मल्टीप्लाई ए अपॉन डी, ए क्या है एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अब यदि मैं इसमें कोई के माध्यम भर दूं, के डाइलेक्ट्रिक भर दूं, तो सी बढ़ी आएगा, तो मेरा सी डैश जो है वो एप्सिलॉन डॉट ए डी मल्टीप्लाई के हो जाएगा। व्हाट इज के, बैटरी लगी हुई है और बैटरी हटा दी, बैटरी लगी हुई है तब हम कहेंगे वी कॉन्स्टेंट रहेगा और बैटरी हटा दी तो क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, इस टॉपिक इससे सोना कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं बोला तो क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, और कुछ नहीं बोलेगा तो भी क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, जैसे आपके तो रेजिस्टेंस है, दो प्रतिरोध है, ये जुड़े सीरीज में तो यहाँ करंट सेम होती है, ऐसे ही यदि मैं दो कैपेसिटर जोड़ दूं सीरीज में तो यहाँ चार्ज सेम आवेश सेम रहेगा, इस पे क्यू है इस पे क्यू रहेगा, यहाँ आई है आई रहेगा जी। और वी की बात करें तो पैरेलल क्रम में चाहे आर को जोड़ो चाहे सी को जोड़ो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, समान होगा, वी रहेगा। आई बात समझ जी, करंट
श्रेणी आर है तो वहां करंट समान होती है, और कैपेसिटर को जोड़ दिया सीरीज में तो वहां क्यू समान है, क्योंकि डीएन एक्चुअल में क्या है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तो है जी, बिल्कुल बिल्कुल। चार्ज फ्लो हो जाए तो करंट है, और चार्ज स्टोर हो जाए तो चार्ज है, चार्ज सी बात है जी। तो कैपेसिटर हो गया, ये सारी बातें थी, बोलो हाँ या ना, खूब सारी बातें आई। तो बैटरी लगी हुई है तो वी कांस्टेंट है, बैटरी हटा दी तो क्यू कांस्टेंट है। चलो डियर, और थोड़ी सी बात अपन और कर लेते हैं यहाँ पे। माना कि डियर ये कोई कैपेसिटर है, और यहां मैंने एक डीसी बैटरी लगाई। पहली बात ध्यान सुनना भाई, एक्ससी इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एफ सी होता है जी, जी, जी। यदि आपका एसी करंट है तो एसी करंट का एफ क्या होता है, सॉरी आपका डीसी करंट है तो डीसी का एफ क्या होता है, जीरो। तो दोस्तों डीसी का एक्स क्या हो जाएगा, इनफिनिटी। यानी कैपेसिटर में डीसी फ्लो नहीं होती है, बट कब है, कब है, कब है, जब वो फुली चार्ज्ड हो, इनिशियली तो करंट चलेगा। यस, मुद्दे की बात पे आ रहा हूं, वापस बिठा रहा हूं कि ये मेरा एक कैपेसिटर है और यहां मैंने एक बैटरी जोड़ी जी। अब इसमें करंट बहना स्टार्ट हुई, इनिशियली स्टार्ट हुई, ये खाली है, ये धीरे धीरे भरने लग जाए, जैसे नल चालू कर दो, जैसे मटके पानी भरता है, वैसे यहाँ मटका पानी इकट्ठा करता है, वैसे कैपेसिटर चार्ज इकट्ठा करता है। हम इसको चार्ज इकट्ठा करने का मटका बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, भाषा अपनी होती है हमारी, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, सारी सी बात है। अब यहां से जैसे स्विच ऑन करोगे इसमें चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा करंट बहना बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, फिर सुन ले, x equal to 1 by omega c होता है, omega equal to 2 pi f c होता है, dc का f जीरो होता है, जीरो पे ये अनंत हो जाएगा और सर्किट कट हो जाएगा। इसे कहते ना कि कैपेसिटर dc को रोकता है, ac को बाईपास करता है, जाने देता है, dc को रोकता है। भूल पर याद करो, सर्किट आएंगे तब आपको ac पढ़ाएंगे ना, या आप पढ़ते हो सेमीकंडक्टर, जब हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जब फुल रेक्टिफायर होता है वहां एक कैपेसिटर लगाते हैं, वो क्या करता है, डीसी को फ्लो कर देता है, एसी को बाईपास कर देता है। बात पकड़ो जी, जी। जैसे ही तू यहां से, अब जैसे ही इसमें तू स्विच ऑन करेगा तो ये क्या करेगा, चार्ज को चार्ज इकट्ठा करना शुरू करेगा, चार्ज टाइम के साथ बढ़ेगा, इसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो क्या होता है उसका क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्यू नोट वन फाइव ई की पावर टी अपॉन आरसी। ये आरसी क्या है, समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट। इस बात को जी, तीन समय नियतांक होते हैं, याद करो। सीरीज के टॉपिक में, एसी के टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा सीरीज रेजोनेंस, तो वहां एक होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो एफ इक्वल रूट एल सी। तो एक तो टाइम का टू, एक मेरा फंडा है, एक होता है लल्लूराम, और एक दोस्तों आपका होता है ये रमेश चंद्र। ये तीनों के तीनों टाइम कांस्टेंट है, समय नियतांक है, लल्लूराम, रमेश चंद्र और लालचंद का रूट, ये तीनों क्या है, समय कांस्टेंट है। अब क्या कहता है ये, जैसे इस बैटरी को चालू करूंगा इसमें चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट होगा, q इक्वल टू q नोट 1 माइनस t, ये दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो दोस्तों ये आपका ऐसी ग्राफ है, बिल्कुल बिल्कुल, इधर कौन है एक्सपोनेंशियल, इधर समय, इधर कौन है आवेश, और ये तेरा कौन है q नोट। तो q नोट एक बात सुनना, ये कभी इसको टच नहीं करेगा, अनंत पे जाके टच पर करेगा, बड़ा सोना क्वेश्चन, टच का अनंत पे, और कागज पे अनंत नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। अब एक सोनी चीज है, वो दोस्तों इनको गुणा भाग करता ना तो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, तो क्या है, तो टो वह समय है, हेलो साथ में मेरे, तो वह समय है, समय स्थिरांक उस समय कहते हैं जितने समय में ये कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज चार्ज कर ले, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बस ये बहुत कम है जी, दिस इज टाइम कांस्टेंट जी जी। टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेंगे तो वह अपना जितना उसका मैक्सिमम था है, पर 100 बनना है उसको, 100 कूलाम बनना है, तो 63 कूलाम बनने में जो समय लगेगा वो समय नेता के बराबर रहेगा। ओके डियर, अब तू जानता है कि इस पे जब क्यू पैदा हो रहा है तो वी भी आएगा, तो वी का फॉर्मूला क्या बनेगा, आरसी रह गए, टाइम कांस्टेंट समय नेता कोई नहीं, दिस इज चार्जिंग, चार्जिंग। अब एक बात सुन, डी चार्जिंग की भी बात ना, चार्जिंग करंट भी आएगी, हाँ करंट भी, शुरू में करंट बह रही है मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा करंट घटना शुरू हो, चार्ज करंट घटना स्टार्ट होगी,
मतलब जब हम चार्ज करते हैं तो Q बढ़ता है, बट करंट V बढ़ता है, बट करंट घटता है। और वो करंट का इक्वेशन क्या है, जरा मैं चाहूंगा, I इक्वल टू माइनस आई नोट, माइनस में इंडिकेट करना पड़ेगा आपको इसके साथ। माइनस अपन कर सकते हैं, जी जी, नेगेटिव साइन यहां पे डिक्रीजिंग को दिखा रहा है। और यहां करो क्या आएगा, ये लो ऐसे कुछ मिल जाएगा, दिस इज आई नोट, दिस इज टी टी। ये तीनों इक्वेशन किसके लिए है, चार्जिंग के लिए। चार्जिंग में आई घटती है, जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा उसमें बहने वाली करंट कम होती जाएगी। अब मैं सबको मिटा देता हूं और लगा के एक बात करता हूं, डिस्चार्जिंग की बात कर ले। तो डिस्चार्जिंग की बात करोगे तो Q इक्वल टू Q नोट E की पावर माइनस T अपॉन आर सी, V इक्वल टू V नोट E की पावर T अपॉन आर सी, और I इक्वल टू तो जाएगा I नोट 1 माइनस E की पावर T अपॉन आर सी। अब इसको उल्टा है, आपने डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो टाइम कांस्टेंट वो है जहां तक 63% डिस्चार्ज हो जाए, घट जाएंगे, जी जी, निपटा मामला बिल्कुल। इसलिए दोस्तों गुरुनीति जो है ना ऐसे इंप्रेसिव होती है। शुरू शुरू में सारा खेल इसको समझा दिया, चार्जिंग बता दी, डिस्चार्जिंग बता दी, के टू बता दिया, प्रेक्षक अच्छा एक गोली संधारित्र में होते हैं, जी जी बिल्कुल, सर्कुलर बेलनाकार युक्ति की बात भी करते रहेंगे, आ जाएंगे समय सब आगे। चलो क्वेश्चन पे आ जा भैया, तो क्या कहता है कि प्लेटों के मध्य क्या दिया आपने, के भर दिया, तो अब नई एनर्जी क्या होगी। तो पहले एनर्जी क्या पुत्र, हाफ सीवी स्क्वायर। अब आप साफ साफ पता लग रहा है, जानता हूं क्लास काम है, कि बैटरी लगी हुई है, बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं है, क्यों कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट, जब कुछ नहीं कहता है तो क्यों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कौन है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये काम ही नहीं होगा जी, ध्यान दे क्लास, जब कुछ नहीं कहता तो क्यों क्या है, कांस्टेंट है, क्यों जब कांस्टेंट है और क्यू बराबर सी भी है, अब तू जानता के भरेगा तो सी डैश क्या हो जाएगा, सी के कितना बढ़ जाएगा, के टाइम से बढ़ गया, के टाइम बढ़ जाएगा, कलर चेंज कर दूं, ये तेरा के टाइम बढ़ जाएगा तो यू तेरा के टाइम घट जाएगा, यू नोट अपॉन के हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन लड़का ये ऐसा कहता है, साहब ये सी काम क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे वी का पता नहीं, का पता नहीं, बड़ी गड़बड़ है। लड़का कहता साहब आप कह रहे हो सी के टाइम बढ़ गया, तो सी ऊपर क्यों, के ऊपर क्यों नहीं आया, नीचे क्यों ले गए, आप इसको क्यों लेके आए, क्योंकि भैया फॉर्मूले में तीन चीज होती है, एक बदलता है, एक बदलवाता है, एक नियत एक को कांस्टेंट करता है। अब यहां हमें क्या पता क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे सोलंकी सर ने कह दिया कि जब कुछ नहीं कहता है तो क्यों कांस्टेंट, वो क्यों कांस्टेंट है, बैटरी लगी हुई है तो वी कांस्टेंट है। इससे प्यार से तो ज्यादा और क्या बात कर सकते हैं आपसे भाई। दोस्तों आज हम थोड़ा सॉरी बोलना चाहेंगे, आज हम ये शूटिंग कर रहे हैं 19 तारीख को, जबकि हमारे गुरु की अपलोड होनी चाहिए थी 17 को, मेरा गले में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं नहीं शूट कर पा रहा था, ये मेरे प्रिय टॉपिक है, तो मैं किसी और साथी को भी मौका नहीं देना चाह रहा था, इसमें सीधी सी बात ये सर्किट है, ये मेरे फेवरेट टॉपिक रहे हुए हैं। तो आज ये 19 को शूट हो रहा है कैपेसिटर वाला, आज इलेक्ट्रिक सर्किट का भी आज आना है, तो वो दोस्तों आपको 19 की बजाय 20 को देंगे, एक दिन दो गला साथ नहीं दे रहा है, और शूटिंग मुझे सारी करनी है जी जी, और इन चार की वीडियो मेरे साथ सोलंकी सर आपके साथ करें, हम दोनों को इसको काम करना था। प्लीज देखें गुरुनीति, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे 19 जनवरी को, ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, आप सीकर के मूव कर लें, और सीकर में ऑफलाइन गुरुनीति शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, फिजिक्स की केवल नीट की, केवल फिजिक्स की 1 फरवरी से ऑफलाइन गुरुनीति का नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहा हूं, जो आपको अगले 1-2 दिन लाइव के माध्यम से बता दिया जाएगा। ओके डियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ यार। देख सोलंकी, हम जब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने एक फंडा बताया था बच्चों, आज आओ फिजिक्स क्या होती है मैं समझाऊं आपको। देखो एक सिंपल फंडा मेरे पास, मेरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तू पढ़ ले, पढ़ लिया। एक फंडा है x रूट y के ऐसे है, यदि मैं यहां 2% का चेंज करूंगा तो यहां 1% का चेंज होगा फैक्टर जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुपर फंडा है, यहां 2% का चेंज तो यहां 1% का चेंज। अब क्या कहता है, यदि एक कैपेसिटर में 2 कूलम चार्ज बढ़ाते हैं तो एनर्जी है वो कितनी बढ़ती है, 20% से बढ़ जाती है। तो कहता है कि कुल चार्ज क्या है, तो डीएल यू इक्वल टू क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पर पूरी बात करेंगे अपन। तो अब इसमें बात किस करनी है, क्यू की करनी है, तो मिटा भैया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी बराबर क्यू स्क्वायर बटी सी।
कैपेसिटी तो वही है, तो सी तो क्या है कॉन्स्टेंट, तो यू यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर, क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रूट यू यू साथ में। ये क्यों लिया मैंने, क्यों सी कॉन्स्टेंट है, सी कॉन्स्टेंट है। अब देख लड़के वो साफ कहता है संचित ऊर्जा 21% बढ़ रही है, यहाँ कोई खेल 21% बढ़ रहा है। तो यहाँ एक बात याद कर ले भाई, 21 का संबंध हमेशा 10 से होता है। जी बिल्कुल, यदि ऐसा रिलेशन हो एक्स रूट वाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो और यहाँ कोई 21% का चेंज करोगे तो 10% का चेंज होगा। अब तुम कह साहब ये कैसे आया, ये कैसे ऐसे आया, तभी तो कोचिंग में हमारे पढ़ने आया है, ये हमने पढ़ रखा है भाई, हमने गुणावा कर रखी है, तभी तेरे पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ 21% है तो यहाँ 10% है। अब देख ये तेरा दो गुलाम बढ़ाया, 10% किसके बराबर है, दो के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब कुल चार्ज क्या है, 20 है, 20 हो जाएगा बस। 10% बढ़ी पर वो कहता दो बढ़ी, तो दो 10% है, दो 10% है, इसका हकीकत कितना हो, 20 गुलाम, 20 गुलाम है। तो वो कह रहा है टोटल आवेश क्या होगा, इनिशियल 20 गुलाम है। ये इस क्लास का बेस्ट क्वेश्चन है जी, बस कोई गुणा भाग नहीं करता, ट्रिक लगा रखी बंदे मेरी। आगे चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3। तो सोलंकी सर जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे, इसके दो तरीके हैं, एक लंबा है छोटा है, तो सीधा और करेंगे नीट पे शॉर्ट, मैं तो शॉर्ट करेंगे। देखो क्या होता है दोस्तों कि दो कैपेसिटर को ऐसे जोड़ते हैं तो जो एनर्जी लॉस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये भाई प्रयास करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर है C1 दूसरा है C2, उनको किसी वायर से जोड़ते हैं तो एनर्जी, क्यों चार्ज का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन कारण वाई एनर्जी लॉस होता है, वो आपका ये होता है C1 C2। अब आप क्या कह रहे हो, दूसरा जो कैपेसिटर है वो शुरू में 2 माइक्रोफेरेड में है और उस पे दोस्तों कोई वोल्टेज नहीं है, ये तो जीरो, तो क्या हो गया जीरो, बस आ गया पुत्र, तेरा C1 क्या है 1, C2 क्या है 2, ये तेरा 2, ये तेरा क्या है 1 + 2, और V1 क्या है 30, ठीक है, और ये क्या है 10^-12, यस 10^-12, और ये क्या है 10^-6, बस डियर 30 का, तो बस 30 square, 30 square, 10^-6, ओके डियर, ये तेरा कितना बचा 300 × 10^-6 जूल, जूल ये आपको याद रखना होगा, एक संदर्भ C1 है एक C2 है, दोनों को जोड़ते हैं तो चार्ज का होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण एक एनर्जी का लॉस होता है। ये एनर्जी कहां जाती है पता है, स्पार्किंग में, स्पार्किंग हीट लॉस में, हीट लॉस में, हमिंग में, हमिंग में, नॉइज पोल्यूशन में, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आगे चले तो लोग आगे चले, ये कहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बिल्कुल बेलना का संधारित्र है। जी जी, फिर खाली करिए आप, ये क्या पूछता मुझे नहीं पता, मुझे सिंपल बात कहूँ आपको कि ये माना कि एक कोई बाहर बड़ा बेलन है, इसके अंदर एक छोटा बेलन, एक कोई इसके अंदर मान लो कि छोटा बेलन है, जी जी, छोटे की रेट ये इसका सेंटर मान लो, दोनों को सेंट्रिक है, ये आप ए मान लो, इसको भी या बी मान लो, ये आप एल मान लो, और एयर भरी हुई इसमें जी, अभी अपन के की बात नहीं करेंगे, तो और बाहर अर्थिंग कर लो, अर्थिंग नहीं पड़ेगा तो जी जी, तो बाहर का चार्ज डिस्टर्ब करेगा जी, इसका जो सी है वो क्या है 2 pi epsilon naught L log b upon a, बी बड़ा बी छोटा, ये ध्यान दे क्लास में, ये c इक्वल टू 2 pi epsilon naught L log e b upon a, और आउटर इसको अर्थिंग कर, अर्थिंग कर देता जी, ठीक है जी। एक बात हो गई, अब क्वेश्चन डाल रहा है, एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संधारित्र के आवेश और लंबाई दोनों को एक बात सुनना है भाई, चार्ज का संधारित्र की धारिता से कोई संबंध नहीं होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग बात क्या कहते हैं Q = CV, तो कहते हैं C = Q/V, लगता है कि क्यू सी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, C का Q से कोई रिलेशन है नहीं है, बात है Q बढ़ने पे भी बढ़ जाएगा ना। अब आगे देखो ये कहता है तो क्यों भूल जा, लंबाई क्या किया आपने दुगना किया, लंबाई डबल किए रही है,
लंबाई को डबल किया तो सी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है डियर, ये तो कह रहा है संधारित्र के आवेश को लंबाई दुगुना किया, अन्य स्थिर रहे। इस स्थिति में संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर से लिखे थे अपन, के क्यू स्क्वायर बाय सी सी जी जी तू तो आगे जी 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 अब तू खुद कह रहा है क्यू तो क्या है कांस्टेंट, क्यू ने डबल कर दिया। अच्छा क्यू, अच्छा यहां क्यू डबल कर दिया, क्यू डबल कर दिया तो क्यू तेरा चार गुना हो गया, तो लंबाई डबल की तो सी दुगुनी हो गई, तो ये दो नीचे आ गया, तो ये चार दो और क्या बचा, दो दुगुना हो गया, दुगुना तो क्या हो गया भाई, डबल होगी, दुगुनी से बढ़ जाएगी सेकंड, दुगुनी से बढ़ जाएगी, तो ये आंसर हो गया सेकंड आंसर, दुगुनी से बढ़ जाएगी जी बस। क्लियर जी बस। देखो फिजिक्स में एक मूल बात सुन लो भाई, फॉर्मूले में उस चीज का आना बहुत जरूरी जो कॉन्स्टेंट है। जी जी, यहां एक बात दिमाग भाई सुन किस तरह, मेरे को पेज खाली करना, एक हमारा होता गोले से सारे था जी जी बस, माना एक गोला ये है जी, एक गोला ये है जी जी, और भाग वाले को अर्थिंग करना पड़ेगा जी 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 बिल्कुल, इसकी रेडियस मान लो कि ए है, इसकी बी है, इसके मान लो बी है जी जी, जरा बोल रहा है इसके धारिता फॉर्मूला क्या होगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, कॉमन सेंस बड़ा वाला छोटा, ये दोस्तों एक मास्टर फॉर्मूला है जी जी, ध्यान दे क्लास, दिस इज स्पेरिकल कैपेसिटर, बोलिए संधारित्र, माना के अंदर क्या, ये कौन सेंस की बात है, यहाँ जितना प्लस है उतना बाहर माइनस होगा, बाहर इसके अंदर क्यों, हाँ इसके अंदर क्यों, और बाहर वाले गोले की बाहर का चार्ज खतरा गया, अर्थ में चला जाएगा जी। अब इसमें एक बात और बनती है प्लीज, क्या बनती है, वो कहता मैं इसको अर्थिंग कर दूं अंदर वाले को, अंदर वाले को अर्थिंग कर दूं, तो दोस्तों फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, इसके लिए ये अंदर वाले, ये कई बात, लेकिन एग्जाम में वो आना है, बिल्कुल पूछ ले भाई, हाँ बिल्कुल भाई, देख एक तो बता दे प्लेट संधारित्र, एक बता दे बेलनाकार, एक गोली है, इसका बस्ता है कुछ भाई, इतने होते तीनों बात पूरी होगी जी जी, बिल्कुल क्यों, ये तो है बिल्कुल, चलो भाई आ जा भाई भगवान, चल बेटा अगले क्वेश्चन में आ जा, ये क्या कहता है, वो कहता है ये फिगर शोन द कैपेसिटर सीज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग, देखो ये है ये कैपेसिटर है, और एक बात सुनना, चार्ज करने के लिए साथ में आर्क लगाना बहुत जरूरी है, वायर से जोड़ेंगे ना, वायर से जोड़ेंगे, ये आपकी बैटरी है जी, इसको आपने आवश्यक कर दिया, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा क्या होगी, तो बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा हाफ सीवी स्क्वायर तो यही खर्च हो जाएगी, बट भाई जी यहां भी लॉस होना है, तो थोड़ी सी मोर देन हाफ सीवी स्क्वायर, इस काम की बात यही है बिल्कुल, वायर के बिना आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, कनेक्ट तो करना पड़ेगा, करेक्ट बात है, अब चार्ज वायर चाहिए तो वायर पे भी करंट पे कुछ ना दोस्तों लॉस होगा, आवेश का प्रवाह होगा, प्रवाह होगा, हीट लॉस में लॉस होगा, लॉस होगा, तो थोड़ा सा हाफ सीवी स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा, तो हाफ सीवी स्क्वायर आंसर इसका नहीं है, ये गलती मत कर देना, आगे चलो भैया, ये अपना प्रिय प्रश्न है, देखो कहता है एक पैरेलल प्लेट संधारित्र है जिनकी प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसका मतलब कौन है, एयर है, एयर है, इसका मतलब सी एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी हो जाएगा, अब कहता है वी ईएमएफ की एक बैटरी जोड़ दिया, बैटरी को हटा दिया जाए, बैटरी को हटा दिया जाए तो दोस्तों क्यू इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, देखो सुनो कैपेसिटर है जी, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है जी, एयर भरी हुई है जी, बैटरी हटा दी, इसका मतलब क्यू क्या है, कांस्टेंट, अब वो कहता उसके बाद प्लेटों को एक दूसरे दूर किया जाए तो उनके बीच की दूरी पहले से दुगुनी हो गई, तो दोस्तों दूरी डबल हो गई, सी हाफ हो गया जी, अब सी हाफ हो गया ध्यान दे क्लास, तो क्यू इक्वल टू क्या है, सी वी, क्यू क्या है, कांस्टेंट, तो सी वी के क्या है, इनवर्स है, तो सी हाफ हो गया तो वी तेरा डबल हो गया, डबल हो गया बस, अब कहता इस प्रक्रम में प्लेट को दूर करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वी फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल जी जी, ठीक है डियर जी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यू यू कर यू सॉरी यू सॉरी नॉट वी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ओके भैया अब तू एक बार देख पेज खाली कर, तो तेरे सामने वर्क क्या होता है, वैसे U final minus U initial. What is U final? Half C V square. Half C V square. ये final का है. Half C V square. C V square. This is final. Final. This is initial. This is initial. आजा भैया half भार common ले ले. जी जी. पे final C क्या हो? C आधा हो गया. C by two.
जी, वी क्या हुआ? डबल हो गया। डबल हुआ तो क्या हुआ? टू वी। टू वी का होल स्क्वायर जी। और ये क्या है? पहले सी और वी जी। तो दोस्तों देखा जाए तो ये तेरा क्या है, चार चार स्टार कट गया। ये क्या है? सी वी स्क्वायर, उसमें से आधा गया, आधा रह गया, बच गया हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी टिक कर, आंसर निकाल ले भैया। हाफ सी वी स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन, इधर हाफ सी वी स्क्वायर जी। यहां रुकना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी कोई बात आती है तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बस। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ने वाला जी। जी यार प्लीज खाली करो, एक बात और दिमाग में आगे जी। बहुत बार अभी आएगा सर, वो कहता है कि ये कोई प्लेट संधारित्र है, इसके बीच की डिस्टेंस डी है। यदि यदि बच्चों झूम जाओगे, झूम जाओगे, इसमें एक पट्टी का टी मोटाई का के भर दिया जाए तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? सी इक्विवेलेंट कितना होगा? ये मेरा लाडला प्रश्न है। देख भैया, सबसे पहले सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी जी। अब इसमें भर दिया मैंने, बच्चों एक ट्रिक दे रहा हूं आपको, यहां पर सुनोगे सर जी। एक बड़ी ट्रिक है, एप्सिलॉन जीरो अपॉन करो जी। टोटल ए कितने में था पहले? डी में था। अब आपने कितना माध्यम भर दिया? टी। टी तो ए कितने बचा? डी माइनस टी में। तो डी माइनस टी में तो के एयर का भाग दे लो जी, और टी में किसका भाग दे लो? के का। ओ के का। अब अपन के एयर का क्या होता है? वन, वन होता है। इसका फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस टी बाई बाई के। ठीक है दोस्तों, ये है कि जैसे माध्यम भरा हो उसका डिवाइड कर दो, तो मैं इसको मिटा के और मेरी क्लास की एक श्रेष्ठतम चीज पे लेके आ जाऊं। क्या लेके आ जाऊं? कि वो कहता है T1 मोटाई में K1 भरा हुआ है और T2 मोटाई में K2 भर दिया और T3 मोटाई में मैंने K3 भर दिया और पूरे पूरे भर दिया, हवा वहां से गायब होगी। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए T1 अपॉन K1, K1, T2 अपॉन K2, T2 अपॉन K2, K2 प्लस और T3 अपॉन K3, K3, क्योंकि एयर के है ही नहीं, ये रहेंगे इसमें। लो जी, मस्त फॉर्मूला हो गया जी। वो इसे बड़ी बात क्या हो सकती है जी? ओके डियर, आगे चल। एक बात लगे हाथ और बता देते हैं। जैसे सर्किट में करंट समान होता है, वैसे कैपेसिटर जुड़े हो सीरीज में, सॉरी ऐसे सर्किट में सीरीज के अंदर करंट समान है, वैसे यहां चार्ज समान है। एक बात और ध्यान सुनना, लेकिन यहां वहां आर आर जुड़े हो सीरीज में तो आर वन प्लस आर टू होता है, या सी वन सी टू पैरेलल में तो सीवन प्लस सी टू होता है। यानी आर का जो सीरीज का है वो यहाँ पैरेलल में काम आएगा और वहां जो पैरेलल में है वो यहाँ सीरीज में काम आएगा। ये चुनना पड़ता है। इस आर की बात कर करेंगे पर जी, तो और उसकी बात कर लेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन निकाल पुत्र भगवान, ये देख ये कितना सोना क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्या कहता है जी? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सी धारिता है, के माध्यम भरा हुआ, के माध्यम भरा हुआ है, इससे वी वोल्ट तक आवेश कर दिया। यदि परावर्तक पट्टिका को प्लेट के मध्य से धीरे धीरे बाहर निकाल के पुनः वापस रखे, इस प्रक्रम में किया गया कुल कार्य कितना होगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब प्लेट जो यू इनिशियल है वही फाइनल फाइनल होगी। बिल्कुल, इसलिए कार्य नहीं जीरो है। ओके, थैंक यू, वर्क जीरो कर दे पुत्र। आगे चलो भैया, ये समय नियतांक आ गया, अभी बताता शुरू। कौन कौन है समय नियतांक के? रूट एल सी, रमेश चंद्र और लल्लू राम, ये तीनों के तीनों क्या है? समय नियतांक। अब बता कौन सा है इसमें? सी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, सी आपको क्या लगेगा? फिर चक्कर डाल दिया इसमें, अब ओ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा आर मल्टीप्लाई सी थ्री आर चक्कर सुन लिया ये लो, ये एप्सिलॉन जीरो बाई ए डी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके आगे चले, ये है जी जी बस लाडला प्रश्न। तो बिल्कुल मजा आएगा करने में। देखो डियर, ये पढ़ो क्या कहता है। एक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें क्या भरी हुई है? एयर। एयर भरी हुई है, ये देख ये ले, ये मान ले एयर भरी हुई है। तो ये इसका डी है, ये इसका ए है, इसका जो सी है वो एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, और ये टेन दे रखा अपने को, ये आपको दे रखा टेन। अब वो क्या कहता है, इनके मध्य में मैंने ऐसे दो फील्ड भर दिए के वन के टू, के वन का मान क्या है? दो, और के टू का मान क्या है? चार। अब वो कहता है नई कैपेसिटी क्या होगी? पेज खाली कर रहे भाई, ये सुन ले भाई, ये नीट में आ रहा है, पेपर आउट ही कर रहे हैं, मान ले आ जा। ये कोई कैपेसिटर है जिसमें क्या भरी हुई है? ये एयर, और उसके बाद वो ऐसे इसमें ये के वन के टू भर, वापस पूछो ध्यान रखेगा, के वन के टू ऐसे आधे में के वन है और आधे में के टू। आ जा वापस आ जा,
आधे में K1 है, आधे में K2 है। जी अब वो कहता है कि नई कैपेसिटी बताओ। जी तो दोस्त ये कोण है C1, ये कोण है C2 और ये तेरे दोनों कैपेसिटर कौन से क्रम में है? पैरेलल क्रम में, पैरेलल हो गए। अब इसकी कैपेसिटी क्या है? तो तेरे सामने C1 इक्वल टू एप्सिलॉन ए के डी बाय टू ए बाय टू तो तेरे सामने ये कितना है? 10 हो गया। ये 10 तो ये तेरा 10 K1 कितना है? 2 मल्टीपल अपॉन 2 कितना बच गया? 10 बोला है ना? बिल्कुल। C2 आ जा, तो C2 क्या है? एप्सिलॉन 0 a by d K2 by 2 ये कितना है? ये 10 है। K2 क्या है? 4 4 ये 4 by 2 तो कितना बचा? 20 हो गया। तो इट मीन तो ये तो 10 का है, ये 20 का है। कौन से क्रम में है? पहले क्रम में। 30 हो गया। 30 हो गया यार, कर दो बस आगे। चलो भैया क्वेश्चन आ जा। आंसर क्या आ गया भैया? 30 माइक्रोफ़ारड आंसर आ गया। दोस्तों रेजिस्टेंस में जो सीरीज पैरेलल होता है कैपेसिटेंस में ठीक उसका इनवर्स होता है, उल्टा होता है। आगे चलो भैया, ये ले, ये क्यों आ गया? जी सेम वही बात है। यहां क्या कह रहा है कि आपको इसकी रिजल्टेंट कैपेसिटी बतानी है। दोस्तों माना इसकी कैपेसिटी क्या है? C1 इसकी C2 इसकी कैपेसिटी क्या है? C2 और कुछ नहीं बढ़ा होता है तो C इक्वल टू क्या है? एप्सिलॉन 0 a / d। जी और लोला क्या करता है? प्लेट में समांतर प्लेट में दो डायग्राम भर दिए, प्रत्येक का एरिया इतना है, उनके बीच की दूरी t मीटर है, पर k1 k2 बीच की दूरी d की से t है। ठीक है, बात t है। अब ये कौन है? C1। तो C1 क्या होगा? एप्सिलॉन 0 a / 2 आधा a by 2 t मल्टीप्लाई k1। जी बस दिस इज सी, दिस इज सी, ये क्या बना? सी k1 by 2। जी बस बोला है ना? जी बस बिल्कुल। ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा बोल लो? ये मिलेगा सी k2 by 2। दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में है। तो जोड़ दे भैया सीधी सी बात है, सी क्या बनेगा? c1 + c2। तो सी बाहर निकाल, C का मतलब एप्सिलॉन 0 a by t बाहर निकाल, मल्टीप्लाई k1 प्लस k2 by 2। देख ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा सर सेकंड, ये लो सेकंड, एप्सिलॉन 0 a t k1 प्लस k2 by 2 आंसर आ गया। दोस्तों अब हम आपकी केवल करा रहे हैं प्रैक्टिस। जी जी आपने वीडियो को पॉज करके दो बार देख लो तो बसता क्या पीछे क्लास में यार। आगे चलो भैया, फिर तेरे प्रैक्टिस। क्या कहता है ये? बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ लो, मैं थोड़ा इसमें देख लूं ताकि मेरे को बोर्ड खाली मिल जाए। आपने पढ़ लिया? पूरा पढ़ो, पढ़ा पढ़ा बड़ा। वो कहता है डाइलेक्ट्रिक के पदार्थ की स्लैब का एरिया मोटाई 3d/4 है, डी दिस थी, सी नोट उसकी है, तो अनुपात बताओ। आजा भैया क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है जी? वो कहता है परतकण के पदार्थ की स्लैब का पृष्ठ क्षेत्र पर समांतर प्लेट के बराबर है, किंतु प्लेट की मोटाई 3/4d है। इसका अर्थ यह है इसमें एयर भरी हुई है, एयर का एयर भरी हुई है और डियर 3/4d मोटाई में परावर्तित कर दिया, के बन गया बस। अब वो कहता है तो पहले क्या था? सी नोट सॉरी, पहले क्या था? सी नोट वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0 a/d। जी बस। और अब ये भर दिया, इसको क्या कहा इसने? सी बोला, सी कहा, तो सी निकाल दे यार। तो सी कैसे निकालेगा? अभी तो बात हुई एप्सिलॉन 0 a, हवा कितने भरी? d/4 में। टोटल कितना था? d, माध्यम कितना भरा? d/4, a कितने में है? d/4, किसका भाग देगा उसमें? एक का, प्लस ये तरफ 3d/4 में कौन भरा हुआ है? माध्यम भरा हुआ है, इससे डिवाइड कर दे k से। भाई टोटल क्या है? d, d है, 3d/4 का भर दिया मीडियम, ये कितने बचा? d/4 में, उसमें किसका भाग दे? 1 का, तो 1 k का, हां k ऑफ a, k 1 गया, k ऑफ a, जी दिस इज 1। जी जी ओके डियर। अब आगे चल, c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a, ये तेरा क्या है? d/4 प्लस 3d/4 k, थोड़ा आगे चल, जी बस एप्सिलॉन 0 a 4 k, तू क्या ले ले इसमें? कॉमन ले ले dk, 4 dk। जी जी 4 कॉमन लेगा तो d नहीं आएगा,
डी नहीं आएगा, तो सिर्फ फोर ही, फोर डी नहीं आएगा, आएगा गलती हो गई, फोर के लिया तो क्या बचा, डी के, डी के बच गया, क्या बचा, थ्री डी, क्या बचा, थ्री डी, थ्री डी, अब डी को कॉमन ले लेंगे, अब डी को कॉमन ले लेंगे, तो सी इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन ले लेंगे, डी कॉमन ले ले, क्या बचा, के प्लस थ्री, के प्लस थ्री, और ये फोर के ऊपर चला जाएगा, फोर के ऊपर चला जाएगा, विकास विकार में क्या, अब डिवाइड कर दो दोनों को, अब डिवाइड करना पड़ेगा, आगे के फिर खाली कर, रेशियो चाहिए, ए डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करेगा तो ये तेरा पूरी बात कर दूं तेरे लिए, जी जी, c नॉट इक्वल टू c 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 a d, एप्सिलॉन 0 a 4 k d k plus 3, एप्सिलॉन नॉट a d, एप्सिलॉन नॉट a d k plus 3 बटे 4 के लिखा भैया, इसका उल्टा है, k plus 3 अपॉन 4 k, वापस कर, वापस कर, खाली कर पीछे, k plus 3 अपॉन 4 k लिखा वापस, तो ये 4 k अपॉन k plus 3 एक ही बात उसे कर, रेशियो जस्ट इनवर्स, वो तो रेशियो जैसा होगा उसे निकाल देंगे, जी जी बिल्कुल, होगी बात, तो बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन हो गया, आगे चलो भैया, अब ये लाडला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन मैं सीधा बोलूंगा भैया, अगला साहब कहता है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, सी और सी कौन से क्रम में है, समांतर में, समांतर में है, क्या बन जाएगा, 2c, 2c और c कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो इसका दोस्तों रिजल्टेंट क्या बनेगा, c डैश इक्वल टू c1 मल्टीप्लाई c1 प्लस c2, तो दोस्तों आपके सामने है c मल्टीप्लाई 2c अपॉन 3c, तो c डैश इक्वल टू आपका आएगा 2c/3, अब ये 2c/3 और c कौन से पर है, पैरेलल में, तो इनको जोड़ो सीरीज में, तो ये तेरा क्या आएगा, c प्लस 2c/3, तो c डबल डैश इक्वल टू 5c/3, 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 जी जैसा r का है उसका ठीक उल्टा करना है, अब ये तो आपको आना चाहिए ना यार, आगे चलो भैया, फिर वापस आ गए, ये ना ऐसे नहीं, इसको पूरा करेंगे अपन, कैसे करेंगे, इसमें से मार्किंग करना सिखाऊं, देखो आपको, ये देखो आप ऐसा मत करो, जब जब ऐसा डायग्राम आ जाता है मार्किंग करो, मार्किंग करके नंबरिंग करो, कुछ नया फंडा है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर, ठीक है, इधर देख ए पॉइंट लिख, इधर बी पॉइंट लिख, ये तेरा कोण है एक नंबर, ये तेरा कोण है चार नंबर, अब देख, अब तू ऐसा कर, यहां तू पॉइंट लगा दे दो नंबर और यहां तू पॉइंट लगा दे तीन नंबर, जी एक दो तीन चार, अब देख एक और दो के बीच कैपेसिटर, एक और दो के बीच कैपेसिटर, दो और तीन के बीच कैपेसिटर, दो और तीन के बीच कैपेसिटर, तीन और चार के बीच कैपेसिटर, तीन और चार के बीच कैपेसिटर, एक और तीन के बीच वायर, एक और तीन के बीच वायर, दो और चार के बीच वायर, दो और चार के बीच वायर, साफ साफ पता लग रहा तीनों कौन से क्रम में आ गए, पैरेलल आ गए, c c c 3 c, लेकिन ऐसे मार्किंग करनी होगी, कैसे कैसे आ गया, आप यहां देखो, इस तार को उठाऊं यहां से, इसको उठाऊं यहां से, जोड़ दूं, हो गया ना पैरेलल, एक ही बात है, यहां कोई वायर नहीं है, ये सब तीनों एक साथ है, ये तीनों एक साथ है, जब तक वायर का संबंध नहीं आता है तब तक आर या सी चेंज नहीं हो जाते, ओके डियर, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया बढ़िया वाला, आगे चलो भैया, ये देख क्या कहता है, दिए गए सर्किट में स्थायी अवस्था में, स्थायी का मतलब है कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वहां करंट नहीं बहती है, हेलो, दिस इज स्टेबल केस कंडीशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टेबल हो गया, सैचुरेट हो गया, इसका मतलब उस सर्किट में वो डीसी को नहीं बहने देगा, और जिस सर्किट करंट नहीं बहती है वो मर गया एक तरह से, बिल्कुल डेड हो गया, डेड हो गया, क्योर कौन बचा, R1 R2, जी अब क्या कहता है, सर्किट में दिया है तो विद्युत भाग बल एफ अंश, ये अंश कौन सेट करेगा, R1 R2 R3 का, कोई सांस चलती है तो धन से काउंट होती है, सांस बंद काउंटिंग बंद, सीधी सी बात, आगे चलो भैया, ये लाडला क्वेश्चन पड़ा, जी ये देखो डियर क्या कहता है, ये कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसने आपकी बातें भर दिया, देखो पूरी बात पढ़ो, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कोर्स K1 K2 बड़ा है, K2 बड़ा है, ये दो है, K2 बड़ा ज्यादा है, आप इंसर्ट बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस d एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्ट, देखो सुन, जब कुछ नहीं भरा होता है तो सब E का मान क्या होता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होता है, एक समान, अब उन जैसे K1 भर दिया,
तो वहां पर डिक्री क्लास जैसे तूने के बढ़ दिया तो डीएल तेरा सी क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। सी और वी का गुणा कॉन्स्टेंट है तो वी उतना ही घट गया, वी घट गया, ई घट गया। सिंपल सी बात है। और कितना ज्यादा घटा, जितना के टू ज्यादा है तो भैया जी के टू ज्यादा, के वन ज्यादा, के टू ज्यादा तो कम भी होगा और ज्यादा कम होगा, आंसर हो गया। बस देखो पहले ये ई चल रहा है जी जी, फिर कम हुआ, देख फिर एर आ गई, फिर वापस, फिर वापस उतना हो गया जी जी, फिर माध्यम आया फिर कम हो गया, फिर एर आ गई फिर वापस हो गया। नीचे क्यों आया, क्योंकि के टू ज्यादा है। लड़के 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 क्यू इक्वल टू सी, क्यू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब सी और वी का गुणा कॉन्स्टेंट है जी जी। यदि सी के गुणा घटता है तो वी के गुणा बढ़ता है, जब दो चीजों का गुणा कॉन्स्टेंट होता है एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। ओके डियर, ये आपकी बात होगी। आगे चलो भैया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर चार्ज्ड बाय यूजिंग ए बैटरी व्हिच इज देन डिस्कनेक्टेड, वही बात डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज कॉन्स्टेंट है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लिप इज देन सप्लाई स्लिप बिटवीन द प्लेट। सुनो 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 भैया, ये अपना क्वेश्चन आ गया। बैटरी हटा दी जी जी, इधर आ बैठो। क्यू इक्वल टू क्या है, सीवी। बैटरी हटा दी तो कौन कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब सीवी का गुणा कॉन्स्टेंट है और सीवी के इनवर्स है। बैटरी हटाने के बाद के सरकाया, के सरकाया तो चेंज कर दू तेरे सामने, सी के गुणा बढ़ेगा, सी के गुणा बढ़ेगा तो वी के गुणा घट जाएगा। अब अगला एनर्जी की बात भी करें तो एनर्जी की बात करें, एनर्जी फॉर्मूला कौन सा काम लेंगे बढ़िया, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। क्यू तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, सी तेरा के गुणा बढ़ रहा है तो तेरा यू नोट भी के गुणा बढ़ जाएगा। पढ़ ले क्या कह रहा है, के गुणा घट जाएगा, सॉरी सॉरी घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, यू भी के गुणा घट जाएगा। क्या कहते हैं, संधारित्र पट्टिकाओं पर आवेश की कमी व पट्टिकाओं पर विभवांतर वृद्धि होगी ना, आवेश का मतलब ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन, पट्टिकाओं पर पोटेंशियल डिफरेंस में कमी जी, ये ऊर्जा में कमी जी और आवेश में कोई परिवर्तन नहीं, नहीं हो, ये आंसर क्या हो गया, थर्ड। तो हमने थोड़ी पढ़ाई थी ना तो पूरी काम, ये वो बेस्ट क्वेश्चन है भाई, सुन लो जी बस। अगला कहता है बैटरी अठाई, बैटरी अठाई इसका मतलब दोस्तों क्यू इक्वल टू सीवी। क्यू क्या है, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब सीवी का, सीवी का गुणा क्या है, कॉन्स्टेंट। फिर वो कहता मैंने प्लेट किसका दी, उसका मैं जानता हूँ सी डैश क्या होता है, के गुना, तो मेरा सी के गुना बढ़ जाता है तो मेरा वी के गुणा घट हो जाएगा। एनर्जी लॉस फिर मैं जानता हूँ मेरा क्या होगा, मेरा सी के गुणा बढ़ रहा है तो मेरा वी के गुणा घट जाएगा, के गुणा घट जाएगा। बिल्कुल बड़ा भक्ति क्लास है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलो, फिर आ जा R1 R2 रेडियस के दो गोले हैं जिन पे आवेश Q1 Q2 है, ये जुड़े हुए हैं, तब निकाय की ऊर्जा में 100% क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी, एनर्जी लॉस हमेशा होगा। कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, वृद्धि कभी हो नहीं सकती जी। और वो हानि किस में होती है, हीट एनर्जी में, बिल्कुल स्पार्किंग हो सकती है, हीट पैदा हो सकती है, आवाज पैदा हो सकती है, एनर्जी लॉस होना चाहिए। ये कंडीशन साथ में और डरेंगे, और कंडीशन क्या है, कब तक होगी, कब तक होगी, जब तक चार्ज का फ्लो रुक नहीं जाता, रुक नहीं जाता, वो कब रुकता है, सेम हो जाता है, वो कब होता है, Q1 R1 equal to Q2 R2। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया जी। सो थर्ड नहीं, आंसर फोर्थ, फोर्थ सही हो गया, क्योंकि दोनों चीज पूछनी ना, दोनों दोनों दे दिया मैंने। आगे चलो भाई, आया द इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन कैपेसिटर देन एनर्जी इज कैपेसिटर। यदि आपने इसके बीच भर दिया तो क्या होगा भैया, घट जाएगी, वो घट जाएगी, क्यों घट जाएगी, क्योंकि सी बढ़ जाएगा ना, हाँ, Q² / 2C इधर आ गया सी, और कुछ नहीं कहता है, आवेश नियत है, गांठ मान ली भाई, कुछ नहीं कहता था आवेश नियत, लड़का कहता साहब मैं तो इससे काम करूंगा Cv² से, फिर क्या पता भी क्या भैया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, नहीं है तो चांस लोगे घटेगी, घटेगी, आंसर क्या हो गया भाई। लेकिन आगे चलो भैया, ये फिर बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये कहता क्षेत्रफल ए है। अब यहाँ अब तक जो क्वेश्चन किए थे ना वहां a/2 आया था, अब इसमें d/2 आएगा और दोनों कौन से ऑर्डर में है, सीरीज, सीरीज में है। तो कहता है इसकी कुल धारिता क्या होगी, माना कि दोस्तों कुछ नहीं बढ़ा हुआ है तो c की वैल्यू है ε₀ a/2 जी, बोला है ना जी। इसके क्या है c₁, इसकी क्या है c₂, तो बोलो c₁ क्या होगा, ε₀ a/d/2 मल्टीप्लाई k₁ केवल। देख लिया अब तो जो क्वेश्चन किया था हमने
वहां ए आधा हुआ था या डी आधा हो रहा है, थोड़ा मॉडिफाई करके उसको मैं, ये वन की वैल्यू क्या है, वन है, वन है। तो एप्सिलॉन जीरो ए ये वन हो गई, ये टू ऊपर आ गया जी, अपॉन डी, तो पुणे कहने का मतलब टू सी हो गया, टू सी हो गया। अब इस पे आ जा, सी टू पे आ जा, ये क्या है एप्सिलॉन जीरो ए डी बाई टू, ऊपर क्या है के टू, के टू, के टू कितना है टू, टू, ये टू पर गया चार हो जाएगा, तो सी टू क्या हो जाएगा फोर टाइम। अब तेरा मतलब क्या है कि टू सी और फोर सी कौन से ऑर्डर में है, सीरीज में है, सीरीज में है, तो रूल किसका आएगा पैटर्न का, टू मल्टीप्लाई फोर अपॉन टू प्लस फोर, ये क्या है तेरा एट बाई सिक्स, एट बाई सिक्स सी, एट बाई सिक्स से मतलब फोर एप्सिलॉन नोट ए बाई थ्री डी जी, फोर बाई थ्री फर्स्ट एप्सिलॉन ए बाई डी थ्री जी। दोस्तों क्वेश्चन हो गया हमारा 19वां। दोस्तों अभी हम लोग कैपेसिटर कर रहे हैं, हमारे अगले दो साथी आए हुए हैं, आओ आप पीछे गाते हैं, शूटिंग का आते वेट करता भैया, आज के शूटिंग का अगले लोग वेट करने आए हो। ये हमारे अभिषेक मिश्रा जी हैं, आए प्लेन, ये हमारी केमिस्ट्री गुरु आपके साथ आएंगे, ये हमारे रणवीर जाखड़ है, तो लास्ट जयपुर ब्रांच में इस बार हमारे सीख रहे हैं। आप शूटिंग किसके आए हो, शूटिंग किसकी, अभी पहला पहला है क्या, तो गुरुनीति ऑर्गेनिक वाले बच्चे पहला ही है क्या बात, लकी परिचय होगा। तो ये मेरे दोनों टीम के बंदे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट की गुरुनीति आपको देंगे, और पूरी आप ही दे दो यार छोड़ो, क्लियर। तो ऑर्गेनिक की सारी बच्चे भी गुरुनीति आप दोनों देंगे, चाहे शूटिंग रात को करनी पड़े थे दिन को करनी, तो अभी दोस्तों इन लोगों की पांच पांच क्लासेस स्टार्ट भी हो गई हैं, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए 18 जनवरी से, उसके बाद भी आपको सारी ऑर्गेनिक की गुरुनीति ये दोनों टीम देंगे, दोनों साथ में ताले हो जाए। सर वेट करें शूटिंग का, हमारी का हमारी क्लास बाकी है, अभी आगे चले आओ भाई, भगवान सर को चाय क्लास बना के तब तक अपने बात से चाय के लिए क्लास शुरू करता हमारी, आ जा आओ भाई। ये देख भाई एम के इस पर और वो आ गया गोली से तिर 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 तिर, कुछ नहीं कुछ नहीं, माना कि चार्ज क्यू है जी, पोटेंशियल वी है जी जी, तो भैया सी इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, माना रेडियस आर, ये पता कहां से है बताओ, कैसे बताएंगे मजा आएगा आपका, ये कोई चालक है जी जी, रेडियस आर है जी जी, यहां इसका वी क्या होता है के क्यू अपॉन आर, ओ लड़के ओ लड़के, क्यू इक्वल टू क्या होता है सीवी, सीवी, सी इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई वी, क्यू तो क्या है क्यू, वी क्या होता है के क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कट गया जो ऊपर चला गया और बिल्कुल चले आगे, तो आंसर क्या हो गया फोर पाई एप्सिलॉन आर। आगे चलो भैया अगला क्वेश्चन निकालो भाई, तो ये पेज खाली कर दिया, अच्छा उत्तरी फिर आ गया, वो कहता है इस चित्र में एल्युमिनियम की पतली सी प्लेट रख दी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा ये थोड़ा सा घुमा रहा है कि कैपेसिटर है, पतली कोई थिन प्लेट रख दी नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके पुत्र अगला क्वेश्चन निकाल अपना, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, पेज खाली कर पेज खाली कर पेज खाली कर, देखो भैया देखो भैया देखो भैया फिर सुन लो, दिस इज चार्जिंग इक्वेशन, क्या क्या q इक्वल टू q नॉट 1 e की पावर t अपॉन रिलेशन था, v इक्वल टू v नॉट e की पावर 1 t अपॉन rc आवेश अंदर, बट i इक्वल टू i नॉट e की पावर माइनस t अपॉन rc, ये ओ लड़के ये ले, और ये तेरा कभी भी इस पे टच मत करा देना, और ये तेरे सामने कितना परसेंट होगा 63% किसमें rc की होगा जी, डिस्चार्जिंग में आ जा, तो डिस्चार्जिंग में q इक्वल टू q नोट e की पावर माइनस t अपॉन rc e बाय rc, v इक्वल टू u नोट e की पावर t बाय rc, i इक्वल टू उल्टा होगा i नोट e की पावर माइनस t बाय rc, इसकी जो इक्वेशन वही हो जाएगी ऐसे बिल्कुल, चलो ये चार्जिंग हो गया और डिस्चार्जिंग सल्टिन वाली यार बिल्कुल बिल्कुल, बोल वापस आ अंदर पीछा, तो बोल कौन सा आंसर दूं, सीरीज़ में चार्जिंग हो रहा फर्स्ट दे दो, फर्स्ट दो चार्ज हो रहा जी जी फर्स्ट दो, अच्छा आरसी का भाग लिया, क्यों आरसी कौन है पैसा में लेना, ओके आगे चल क्वेश्चन 23 आ जाओ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बैठना भाई, अगला कहता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र है, आवेश क्यू का मतलब पता क्या है कि प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है जी, ये फिक्स है भैया, प्लेट में जितना प्लस उतना ही माइनस, तो बोले क्यू टू क्यू नहीं कहलाता कभी क्यू, और जीरो नहीं कहलाता है जी जी। अब वो कहते हैं कि बल लगाकर प्लेटों के मध्य की दूरी दुगनी कर दें, कॉमन सेंस की बात है यार,
चीज बढ़ाएंगे तो वर्क करना होगा। और वर्क का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और मेरे सोलंकी पुत्र ने बहुत प्यारी बात कही, जब कुछ नहीं कहता तो क्यों कांस्टेंट है, कुछ नहीं कहता क्यों कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला तो क्या है, Q स्क्वायर बाई 2C1 माइनस Q स्क्वायर बटे 2C फाइनल बोल दो, फाइनल और ये इनिशियल बोल दो। अब तो खुद कह रहा है कि डिस्टेंस डबल कर दी तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई AD, डिस्टेंस डबल की है C आधा तो C क्या हो गया, आधा हो गया, तो C आधा हो गया तो ये तेरा क्या है Q स्क्वायर C हो जाएगा 2C/2 माइनस Q स्क्वायर बाई तेरा वो 2C, ये तेरा कट गया तो एक क्या है Q स्क्वायर बाई C, एक में से आधा गया, आधा बच गया Q स्क्वायर बाई 2C, उतना बच गया, बिल्कुल आपकी चाह भी कर देना ऑफलाइन गुरुनीति, दो बंदे खड़े होंगे ओपन फॉर ऑल, सुन लो भाई 1 फरवरी से ऑफलाइन स्टार्ट करें फिजिक्स की, केवल नीट की फीस के लिए, उसी क्रम करेंगे। किसी भी कोचिंग का बच्चा, हमारे सीएलसी के बच्चे फीस नहीं है, बाहर के बच्चे, उसके कुछ चार्ज रखें थोड़ा सा, ताकि अगले को लगे कि हाँ कुछ मेरी जेब से लगा है। अति शीघ्र ये घोषणा भी आपके पास हो जाएगी। आगे चलो भैया जी, बस ये क्या कह रहा है, ये तो यहाँ पे बीच में पट्टी का रखी थी उसको खिसका दिया बाहर, ठीक है, तब पूछा कि चार्ज कहाँ जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है, ठीक है बताओ। बिल्कुल बस, इंसुलेटर प्लेट इज पास्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन द डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे विस्थापन धारा की बात की, विस्थापन धारा बिटवीन प्लेट चलेगी और सर्किट में जो चलेगी वो हमेशा धारा के बराबर ही होती, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही मिलेगा। तो यहाँ पे प्लेट रखी हुई है तो इस कंडीशन में सी जो मुझे मिला है सी नॉट के मिला, प्लेट को बाहर खिसकाएंगे तो ऑब्वियसली के कम हो गया, के कम होने से सी कम होगा, अब सी कम होगा, यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है, अब सी कम होगा तो ऑब्वियसली प्लेट पे चार्ज कम होगा, चार्ज नियत नहीं रहेगा, वी नियत रहेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो मिला मुझे क्यू इक्वास टू सी वी से वी तो कॉन्स्टेंट है। एक बात ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि बाहर खिसक रही है जी तो के कम हो रहा है, के कम हो रहा है, के कम कम हो रहा है तो सी कम, सी कम हो रहा है, हाँ सी भी कम हो रहा है, सी भी कम, क्यू इक्वल टू सी वी है जी जी, एक मिनट, क्यू इक्वल टू सी वी है तो बैटरी लेकिन वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट तो क्यू बाई सी है जी, तो आपका सी कम हुआ, सी कम हुआ, आप क्या करना चाहते हो सी कम हुआ तो चार्ज भी कम होगा, इसको कांस्टेंट करना है जी, इसको भी आपको कम करना होगा नहीं तो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कम हो गया, तो चार्ज कम होने का मतलब जो कैपेसिटर पे चार्ज था यहाँ पे पॉजिटिव वो कम होके कहाँ जाएगा, बैटरी की ओर फ्लो करेगा, तो बैटरी की ओर फ्लो करेगा तो क्योंकि डायरेक्शन इसकी जो मिलेगी वो ए टू बी की ओर मिलेगी, तो हम कहेंगे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम B to A नहीं होगा, always flow from A to B, लगातार आपने कहा लगातार कहाँ जाएगा, A से B की ओर जाएगा ये, जी जी ये एक अच्छा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा ये 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहे 24 क्वेश्चन, करंट हमारे कहाँ से कहाँ जाएगी, चार्ज जाएगा एक ही बात, अच्छा क्वेश्चन हो गया जी, चलो आगे चलो भैया, तो ये तो कुछ क्वेश्चन है तो बार बार उन चीजों को प्रूव कर रहे हैं जी, ये कितना सोना क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, एक प्लेट संधारित्र है, इसकी कैप धारिता 12 माइक्रोफैरेड है, प्लेट आजा ऐसे बात करो, बदमाशी नहीं एप्सिलॉन ए अपॉन डी, सुनो मैं कलर चेंज कर दूं आपके लिए, ए सुनो प्लेट के बीच की दूरी डिस्टेंस डबल तो डी को डबल कर दो, एरिया आधा कर दो जी, ए बाई टू, नया क्या आ गया 1/4 आ गया, सी बाई सी डैश इक्वल टू सी बाई फोर, सी क्या 12/4, आंसर क्या हो गया 3 माइक्रोफैरेड, ये करने का तरीका होता है, इतना नहीं कर पा रहा भैया तो नमस्ते तेरे को, क्या बताऊं तेरे को, आगे चलो भैया, फिर वो आ गया जी जी, एक समानांतर प्लेट है, ए है बी है, वी नोड तक आवेश कर दिया और आवेश करके इसके बैटरी को हटा दिया, उसके बाद उनके बीच की दूरी आपने क्या की 3 गुना, इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना, पेज खाली करना भैया, दोस्तों ये कहता है कि ये कोई कैपेसिटर है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी जी, ठीक है, तो इसकी बेट हटा दिया आपने, बैटरी हटा दी, बैटरी हटा तो क्या चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो पहले है q स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बाय c, c ये कौन है, u इनिशियल है, अब वो कहता है कि कितना गुना किया, तीन गुना किया किसको तीन गुना किया, दूरी को, डिस्टेंस को तीन गुना किया, तो c डैश मेरा c/3 हो गया, तो मेरा u फाइनल जो है वो मेरा q स्क्वायर बाय
2C फाइनल हो गया मेरा जी बस। और ये C क्या है? 3C by 3 ऊपर का वर्ग। तो U फाइनल जो है वो 9 मल्टीप्लाई U इनिशियल हो गया। 3 times हो गया। तो तेरा DU क्या हो गया? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो क्या बचा? 2 times of initial। 2 U इनिशियल बचा। ये कौन है इनिशियल? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से 2 काट दे। जी जी। Q square by C। पेज खाली करना भाई। इसका आंसर है Q square by C। उसको चेंज कर देंगे हम। अब तेरे सामने Q square by C। C क्या है? Epsilon not A upon D। D। बट इसको V की टर्म चेंज करना पड़ेगा। फिर चक्कर आ गया। हाँ। पता लगा कि यहाँ पर है ही नहीं। हाँ, क्यों है ही नहीं? बिल्कुल। कोई बात नहीं, क्यों नहीं है तो क्यों बराबर क्या है? सी वी। तो जहाँ क्यों लिखा हुआ क्या आएगा? सी वी स्क्वायर कर देंगे। सी स्क्वायर वी स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये एप्सिलॉन कट एक सी बच गया केवल। एक सी बच गया अपने आप। हाथ रुके यहाँ पे, मैं बार बार कहता हूँ ये हम शूट वीडियो शूट कर रहे हैं, हम इसको एडिट करके दोबारा शूट कर सकते हैं, बट ये हम इसलिए जानबूझ लगते हैं ताकि आपको ये पता लगे गलतियां कहाँ होती रहती है। बस ये फर्क होता है ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास का मतलब ये होता है ऐसे, इसलिए फर्क है ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन का। इसमें हम इसको एडिट नहीं करेंगे, एडिट करते तो क्लास होगी ऑनलाइन बिल्कुल, और नहीं क्लास होगी ऑफलाइन। ओके, लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। यस, आ जाओ जी 27 में आ जा। ये द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडेंसर इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी? विद्युत स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और कोयल क्या स्टोर करती है? चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितनी? हाफ एल आई स्क्वायर। ओके डियर, चलो भाई 28 में आ जा भैया। हाँ तो सोलंकी पुत्र, ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, बड़ा भी है, बट एग्जाम में आया हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसको पहले तो करूंगा गुणा भाग से जी, और फिर फंडा मेरे पास है जी जी। बस आ जाए, दोनों तक बता देते हैं। फंडे से पहले मेरी बात आज सुन, छोड़ फिजिक्स जी जी, देख इसको भूल जाए एक बार, ये कुछ नहीं है जी जी। वैसे डिस्कनेक्ट है ही नहीं कुछ है ना जी, ये कुछ नहीं है। इसको हटा, ये तेरी वी बैटरी है जी, और इसमें 2 माइक्रो फैराड को क्या कर रही है? चार्ज कर रही है जी। कर दी जी। मैं कहता हूं इसने चार्ज की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, एक आदत देने वाला है, ये लेने वाला है जी जी। और इसने इसको मान ले टोटल 100 रुपये दे दिए जी जी, दे दिए 100 रुपये। देने के बाद में ये 2 आदमी हो गए जी जी, इसके पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। 100 रुपये। इस आदमी की ताकत मान लो 2 है, और इस आदमी की ताकत मान लो कि 8 है, तो इसके पास कितने हैं? 100 रुपये। अब वो इस 2 पे लिया स्विच, तो ये कहता भाई सब मेरे हिस्से भी नहीं, मुझे भी नहीं बिल्कुल ठीक है। और इसकी ताकत 4 गुना ज्यादा है इससे जी जी, इसकी ताकत है 1 जी, इसके 4 सिंपल 100 को 1:4 बांटते यार बिल्कुल बिल्कुल। तो एक के पास 20% रहेगा, दूसरे के पास 80% जाएगा, तो संचित ऊर्जा का प्रतिशत दोष कितना हो जाएगा? 80% क्योंकि ये बंदा 4 गुना है, 4 गुना ये लेगा तेरे से बिल्कुल। ये कितना पैसा लेगा तेरे से? 5 में से 4 इसे ले गया, 4 ले गया 80%। छोटे गोले बात उसको यार जी जी, हो गया ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये फिजिक्स जी बिल्कुल। सुन फिर सुन, कि इस आदमी को हमने 100 रुपए दिए, फिर इससे 4 गुना ताकत का आदमी है, वो कहा मैं बराबर डिवाइड कर ले, तेरी मेरी को औकात डिवाइड कर ले बिल्कुल, 100 में से मैं 4 गुना लूंगा बिल्कुल, एक पार्ट में 4 गुना तो लेगा ऑफिस में, तो भैया लगा ले लिया इसने जी जी जी। तो और तो 100 में कितना लगा? 80 चला गया, 80 चला गया। तो इसके पास क्या बचा? मेरे पास 20 डोज कितना हो गया? 80%। ओके आगे चलो, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि एक समांतर प्लेट वाइज संदर्भ दायरा सी है, दूरी डी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इन समांतर प्लेट वाइज संदर्भ की पट्टियों आकर्षण बल क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछा है। एफ इक्वल टू क्या करूं? डी यू अपॉन डी आर। यस पुत्र जी, डी यू की वैल्यू सीधे सीधे पुट कर देते अपन, क्या पुट करूं होता? हाफ सी वी स्क्वायर। इसको डी से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस डी है प्लेटों के बीच की, डिस्टेंस क्या है? डी है, तो सी वी स्क्वायर बाई 2D। थर्टी में आ जा,
ये एक नई प्रॉब्लम आ रही है, नई तरह से अच्छी प्रॉब्लम है। वो कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टिचिंग इन एन इक्वल पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ कैपेसिटेंस डू टू प्लेट इज सी। वो कहता है समान दूरी पे कोई एन प्लेट रखी हुई है उनसे एक बड़ा कैपेसिटर, इन समांतर क्रम में इनको क्या कर दिया, संयुक्त कर दिया। तो प्लेटों के मध्य धारिता देखो सुनो भाई एन प्लेट है, इन दो से कितने बने कैपेसिटर, एक के तीन से दो, चार से तीन, कुल कितने बन गए एन माइनस वन मल्टीप्लाई सी बस हो गया जी, जी। दो से एक बनता है जी, जी। चार प्लेट तीन बन एक कम बन रहा है एक कम एन माइनस वन मल्टीप्लाई सी, और कौन से क्रम में पैरेलल है तो सी 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 कितनी बार आए एन माइनस वन, एन माइनस वन टाइम आए एन माइनस वन मल्टीप्लाई सी आंसर आगे चलो। यहाँ यार ये दोस्तों कल जो वीडियो आएगा ना इलेक्ट्रिक सर्किट वाला उसके बाद भी मैं इस पर फिर चर्चा आपसे करूंगा, ये बहुत प्रिय, ये मेरे प्रिय पॉइंट है। ध्यान से क्या कहता है, दिए गए सर्किट एक्स वाई में 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 60 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या रहेगा 60 वोल्ट, इसके सिरे में क्या रहेगा 60 वोल्ट जी, और यहां भी क्या रहेगा 60 कंप्लीटली 60 रहेगा। ध्यान से ध्यान से बैठ जाओ भाई, अब वो कहता है एम और एन के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। अब मैं एक बात जानता हूं इन सब पे चार्ज क्या होगा, समान सीरीज क्रम में समान होगा चार्ज जी जी। अब तू एक बात जानता है क्यू बराबर क्या है सीवी, सीवी क्यू सेम हो गया, क्यू क्या हो गया सेम, सेम। तो सीवी के क्या हो गया विद क्रमानुपाती इनवर्स हो गया जी जी हो गया जी। अब तेरे को सी को वी के इनवर्स करना है जी, तो सी वी कितना है 60 है जी। और एक बात और जानते हैं यहाँ कोई V1 आएगा, यहाँ कोई V2 आएगा, यहाँ कोई V3 आएगा, वो V1 और V2 V3 का जोड़ क्या आएगा 60 के बराबर, कहीं दिमाग में आता है सर जी जी बिल्कुल। अब मेरे को ये तेरा 2C C 2C जी, एक काम कर 2C 2C C कर दे जी जी, 2C 2C कौन से क्रम में है सीरीज में जी जी, तो कितना हुआ सी जी, ठीक है डियर जी, और ये भी कितना है सी, तो उस सी और सी आधा तेरा तेरा हो गया, उस तेरा को और आधा कर दे तो 15 वोल्ट इस पे जाएगा, 15 इस पे जाएगा, 30 इस पे जाएगा, 30 इस पे जाएगा, आंसर ये 30 बस। कहीं पेन नहीं चलता इनके अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं कहीं पेन नहीं चलता, रेशियो मेथड से सीधे सॉल्व करो, ये सर्किट की वीडियो कल आएगा उसके बाद और बेटर आप समझ पाएंगे जी जी। मैं एक बार देखो इसको फिर से बैठाता हूं फिर करता हूं आपके लिए दोस्तों, आप ऐसा करो खाली पेज को इसको अपना हाथ से डायग्राम बनाएं, पेज खाली कर बेटा, देखो मैं क्वेश्चन हाथ में देता हूं मेरे, ये बहुत प्रैक्टिस है। देखो डीएन ऐसे कहता है एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर और यहां पे चौथा कैपेसिटर, चौथा कैपेसिटर, ये कितना है 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। अगला कह रहा मैंने कह रहा ये क्या है सी, ये क्या है 2C, ये क्या है सी 2C और ये क्या है 2C, ठीक है डीएन। करंट से समझाऊंगा आपको, देखो इसको मैं आपको क्या चाहिए है पोटेंशियल चाहिए एम और एन के बीच का पोटेंशियल, और दिमाग करते हैं जी जी बिल्कुल। क्या आया जब जब आर और सी का सर्किट होता है रिजल्ट आर या सी निकालो जी, तो इसका 2C और 2C कितना है सी, सी हो जाएगा, सी और सी कितना है सी बाई टू, हाँ सीरीज में सी बाई टू, ये सी बाई टू सी कितना हो गया 3C/2 ध्यान देखा क्यू इक्वल टू सी बी, ठीक है। अब आपका यहाँ सी कितना है 3C/3/2C, ठीक है क्लियर, वी कितना है 60, तो क्यू कितना है 90 हो जाएगा, हो गया। यानी ये कहता कि टोटल क्या है 90C, सी जो भी है जी जी, ठीक है ना, सी आपका भैया तो कहोगे ना कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है। अब तू यहां आ जा, यहां तू आएगा तो एक तरह से करंट को डिवाइड कर दे जी बिल्कुल, बस चार्ज डिवाइड कर दे बिल्कुल, ये कितना है सी जी, ये कितना है C/2, तो कॉमन सेंस के बाद इधर कितना बचेगा 60, इधर क्या बचेगा 30, कैसे कर लो जी सीधे हो जाएगा, ओम प्रकार कहीं कर लो बात वही आनी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं माफी चाहूं आज इसकी पूरी बात हम नहीं कर पाएंगे, कल जो वीडियो आएगा गुणित्री का सर्किट का वहां सारी कहानी इस पे स्टार्ट करेंगे अपन कल, और नेक्स्ट वाले नेक्स्ट जो भी दो वीडियो अपने पास है, हां बिल्कुल। आप ध्यान है इलेक्ट्रिक सर्किट के दोस्तों हमारे दो वीडियो है, तो एक वीडियो पूरी इसकी बात करेंगे हम लोग, ओके डियर ओके आगे चलो भैया। ये फिर वो चीज आ गई जी, इसमें दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है, देखो ये एक प्लेट है ये अलग जुड़ी हुई है, ये एक प्लेट है ये अलग है, ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है,
इसको वास्तव में समझना बहुत जरूरी है। कितनी प्लेट हो गई, कितने कैपेसिटर हो गए? कैपेसिटर तो देखना पड़ेगा पॉइंट लगा के। यस, क्या करूं? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, एक मिनट या एक को एक ही ले लो हाथ से। हाथ ना, नहीं पूरा बनाएंगे। आ जा पेज हट कर भैया, हाथ से बना दो दोस्तों, ताकि बच्चे को लगे बढ़ क्या रहा है। ठीक है, बच्चे को लगे कि बढ़ क्या रहा है। जी बस ये हो गया। ये बी ए, ये ए है, ये बी ले लेते हैं, ये बी है। बच्चे को लगना चाहिए ना, प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी क्या है? डी है। अब आ जा, अब मैं ब्लैक पेन काम लेता हूं। देख, ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक नंबर। हाँ, एक को एक कर दो, एक नंबर। ये तेरा चार नंबर, ये वापस तीन नंबर। अब तू एक बात कहता है कि ए और बी के बीच क्या चाहिए? आप क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच। जी, तो ए और बी के बीच चाहिए, तो यहां ए लिख या बी लिख। जी, बी और दो क्या है? एक ही है। जी, ए और चार क्या है? एक ही है। एक ही है। तो यहां तू पॉइंट एक नंबर लगा ले, यहां तू पॉइंट तीन लगा ले। जी जी। अब तू देख, एक तो एक है, तो एक और दो के बीच क्या है? एक कैपेसिटर है। एक और दो के बीच एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर आ गया। दो और तीन के बीच एक कैपेसिटर है, दो और तीन के बीच, दो और तीन के बीच एक कैपेसिटर है। जी, एक और चार के बीच कैपेसिटर है। जी, एक और चार के बीच एक कैपेसिटर है। चार और तीन के बीच कैपेसिटर है, चार और तीन के बीच कैपेसिटर है। जी जी, ठीक है डियर। फिर एक बात को और सुन सकता है, एक और तीन के बीच में एक कैपेसिटर है, एक और तीन के बीच में कैपेसिटर है। जी, लेकिन सारे कैपेसिटर के इक्वल है। बिल्कुल, ये तेरे सामने क्या हो गया? व्हिटस्टोन ब्रिज हो गया, ये खत्म हो गया। बिल्कुल, सी और सी, सी बाई टू, सी और सी, सी बाई सी बाई टू, क्या बच गया? सी। एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, आंसर निकाल लो भैया, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। ये आपका दोस्तों इसका आंसर आ गया, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 32, ये देख एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। जी बस, बिल्कुल सर। क्या किसका है? मार्किंग का, मार्किंग। बिल्कुल, अब विष्णु ब्रिज जानते हो ना आप लोग, यार क्यों बेरेस होता तो बीच के बुझा काम नहीं करती, आर हो चाहे सी सी हो कुछ भी आ बीच बेटा इस पे आ जा। इक्विवेलेंट से पूछा, पी व क्यू के बीच, ए पी और क्यू के बीच दोनों को पूछा बॉस। हाँ, दूसरा बी सर पूछा पी और आर के बीच, एक पूछा पी और आर के बीच, आर के बीच। अब देख इनका क्या पूछा है, इसने रेशियो पूछा है। जी, तो पी और आर के बीच का निकाल पहले, ये कोण है तेरा पी और आर, ठीक है ना। जी, तो ये सी 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 क्या है? सी बाई थ्री, सी बाई थ्री। ये कोण है? सी बाई टू, ऐड कर देते। अब सी बाई थ्री और सी बाई टू को ऐड कर ले, ये सिक्स हो गया। जी जी, तो टू सी प्लस थ्री सी, दिस इज फाइव सी बाई सिक्स। कौन ये मिला आपको? सी पी आर। अब पी क्यू, तो पी क्यू ये है, तो सी एक दो तीन चार, सी बाई फोर, ये क्या है? सी प्लस सी बाई फोर। ये कौन? सी पी क्यू। जी, सी प्लस सी बाई फोर। जी, दिस इज फाइव सी बाई फोर, फाइव सी बाई फोर। अब सोचिए पहले वाले का बाद वाले का। जी, पर ये ना फाइव सी बाई सिक्स अपॉन क्या है? फाइव सी बाई फोर। जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, दो बटा तीन, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री। जी, बताओ कहाँ दिक्कत? बिल्कुल हो रहा है, थैंक यू। आगे चलो जी, अब डियर आगे चलो। वही फिर आगे इक्विवेलेंट पूछा है, ए और बी के बीच एक हैच, एक हैच, ये बी है, बी हैच। जी बस, सी और सी, सी बाई टू, सी और सी, सी बाई, सी बाई टू। अब सी बाई टू, सी और सी बाई टू कौन से क्रम में है? पहले क्रम में, पैरेलल में हो गए। तो सी बाई टू, सी बाई टू क्या हो गया? सी, सी और सी क्या हो गया? टू सी। जी बस, हेलो, बिल्कुल फिर सुन ले, फिर सुन ले, ए और बी के बीच चाहिए, सी और सी, सी बाई थ्री बाई टू, सी और सी, सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, सी, सी और सी, टू सी। ओके, थैंक यू, आगे चल। फिर आगे, जी बस, क्या कहता है चित्र है, प्रत्येक धारिता के तीन है, ए तथा बी व ए व सी बिंदु के मध्य बताओ, तो पहले ए बी बता, ए बी बता, सी प्लस सी बाई थ्री। रुक भाई रुके, सी 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 क्या है? सी बाई थ्री। ये क्या है? सी। तो सी प्लस सी बाई थ्री क्या हुआ? फोर सी बाई थ्री। जी, आगे चल पुत्र, फिर ए और सी के बीच आ जा, ए सी निकाल, तो ए और सी के बीच क्या होगा? ए और सी के बीच क्या है? सी बाई टू, सी बाई टू, सी। ये तेरा सी हो गया। जी,
क्या चाहिए इनका रेशियो सी का भाग दे फोर बाय थ्री क्या करें यार बता हेलो ए अरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भाई यार आगे चल 36 में आ जा फिर बोला मैं क्या कहता है दो कैपेसिटर है सी और सी बाई टू के वी वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया चित्र दिखा दिया दोनों संधारित्र को पूर्णतः आविष्ट करने में कितना कार्य करना पड़ेगा अरे सुन यार इस मटके को भरना है इस मटके को भरना है इस मटके को भरना है तो सी वी स्क्वायर इसको भरना है तो सी बाई टू का वी स्क्वायर वी तो जितना यहाँ है उतना यहाँ आएगा ये तेरा कितना हो गया एक बट्टा दो ये तेरा क्या हो गया एक बट्टा चार तो एक बट्टा दो एक बट्टा चार क्या हो गया तीन बट्टा चार सी वी स्क्वायर पता क्या 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 ओके आगे चलो थोड़ी प्रैक्टिस बच्चों करनी पड़ेगी हाँ ये देख टू सी वह सी कैपेसिटर वाला दो कैपेसिटर है जी जी इनको समानांतर क्रम में वी वोल्ट तक जोड़ के आविष्ट कर दिया जी जी बैटरी को हटा दिया इसका मतलब क्यू क्या हो गया कांस्टेंट ध्यान रखना यहां पे हम कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला लगा देते बस VCM वाला C1 C2 यस 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 C2 प्लस C1 C2 फिर ये कहता है संधारित्र में एक में बढ़ दिया हमने के जी तो प्लेट के बीच अब विभवांतर क्या होगा पूरी बात करने का 2C धारिता का कोई कैपेसिटर है जी और एक सी धारिता का कैपेसिटर है दोनों गलत कर दिया मैंने ऐसे दोनों पहले जी जी पहले नोट ये 2C है ये सी है 2C है टू कंडेंसर्स और कैपेसिटर्स 2C सी आर जॉइंड इन पैरेलल एंड चार्ज अप टू वी पोटेंशियल यहां भी क्या है वी यहां भी क्या है कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों पैरेलल है तो वी आएगा ये भी हो गया भाई ठीक है डियर अब वो कहता है कि बैटरी को हटा दिया बैटरी को हटा दिया तो क्यू दोनों क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा जीरो क्यू चेंज नहीं होगा नहीं हो सकता जीरो अब वो कहता है सी धारिता वाले डाइइलेक्ट्रिक इसको के भर दे तो इसकी जो सी डैश है वो क्या हो जाएगी सी के हो जाएगी केसी हो जाएगी अब प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा तो दोस्तों आप जानते हैं कि जब दो प्लेट जोड़ते हैं तो विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है याद है क्या ऊपर वो रहेगा जी ये नीचे डैश बोलना पड़ेगा यहाँ डैश बोलना पड़ेगा सी टू क्या इसका सी है सी मल्टीप्लाई क्या होगा वी अपॉन C1 तो क्या है 2C C1 डैश तो 2C है जी जी और ये क्या हो गया तेरा KC जी जी ठीक है डियर जी तो इसमें ऐसा कर C कैंसिल आउट कर दे तो ये क्या बन 3V हो गया ना जी बस 3V अपॉन 2 प्लस K जी 3V अपॉन K प्लस 2 मल्टीप्लाई जी बस फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छा क्वेश्चन अपने आप भाई तो ये इस प्रकार की प्रॉब्लम एग्जाम में बड़े आराम से आ सकती है ऐसी कोई दिक्कत कहीं नहीं है अगला कहता प्लेटों के बीच अब नया विभवांतर क्या क्या होगा ओके डियर इसको मैं एक तरीके से और भी करना चाहूंगा जी जी थोड़ा सा ध्यान से देखें पूरी बात को फिर सुनो अगला कहता साहब ये 2C है ये सी ये आपका सी है इनको वी वोल्ट तक आपने क्या किया आवेशित जी वी वोल्ट इसके पे वी है इसकी भी वी है इस पे वी है अब अगला कहता इसका भी क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है इसका भी क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है अब वो कहता सी धारिता वाला जो है ना उस पे आपने क्या भर दिया डाइइलेक्ट्रिक कोष के भर दिया तो प्लेटों के बीच अब विभवांतर क्या होगा कौन सी प्लेट के बीच कौन में कॉमन रहेगा क्योंकि पहले में तो कॉमन ही रहेगा कॉमन रहेगा बिल्कुल इसी बात इधर भी वी डैश हो जाएगा जो यहां होगा वही यहां होगा कहने का मतलब है कि आप इसको फिर एक बात कह सकते हैं क्यू इक्वल टू क्या है सी जी जी क्यू क्या है कॉन्स्टेंट क्यों कॉन्स्टेंट है तो आपका सी कितना गुना बढ़ा के गुना तो वी कितना गुना घटा के गुना इसी तरह से आपको इसको डिस्कस करके कर सकते हैं बाकी कौन फॉर्मूला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 वो ज्यादा अच्छा फॉर्मूला हो गया ठीक है आगे चलो ये तो बड़ा है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मेडिकल में इसके आने के चांसेस काफी कम है और इसको हम करना चाहेंगे भी नहीं अनावश्यक 10 मिनट वेस्ट होंगे इसमें आप देखो ये K1 है ये K2 है ये कौन से ऑर्डर में है सीरीज में है ये K3 है सॉरी ये दोनों किसमें पैरेलल में है तो इसके ये सीरीज में आएगा बिल्कुल मैं यहाँ एक बात कह सकता हूँ देख देखते इसको मैं C1 कह दूँ तो मेरा C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 D K1 जी मेरा C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2
डी के टू, के टू, और ये मेरा के थ्री जो है, ये मेरा सी थ्री जो है वो है एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू, डी बाई टू, डी बाई टू मल्टीप्लाई के थ्री, ये मेरे सी आ गए सारे। अब सी आने के बाद बच्चा कॉम्बिनेशन अपना कर सकता है, कुछ कर सकता है, कैलकुलेट कैसे करेगा, सी वन सी टू कौन से क्रम में है, पैरेलल ऑर्डर, पेज खाली करना भाई, सी वन सी टू पैरेलल है तो रिजल्ट सी क्या होगा, सी वन सी वन मल्टीप्लाई सी वन प्लस सी टू, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे दोनों कौन से ऑर्डर में है, पैरेलल ऑर्डर में है, तो सी इक्वल टू क्या है, सी वन सी वन प्लस सी टू। अब ये इसको सी डैश कहते हैं, वापस दिखा बेटा, ये सी डैश की सी थ्री क्या है, सीरीज में, सीरीज में क्या आएगा, पैरेलल पेज खाली कर, तो सी डबल डैश क्या आएगा, C डबल डैश ऐसे आएगा, बताओ आपको ऐसे आएगा, C डबल डैश ऐसे आएगा, वन बाई सी वन प्लस सी टू, वन बाई सी वन प्लस सी टू प्लस वन बाई सी थ्री, बस अब वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो इतना गुणा भाग पढ़ने करना चाहेंगे, ये प्रैक्टिस के बता दिया आपको, जी जी, वन प्लस सी वन प्लस सी टू और सी थ्री, अब सबकी वैल्यू पुट करेगा आंसर आ जाएगा। ओके थैंक यू, आगे चले भैया, ये आप देखिए ठीक से प्रॉब्लम है जी, आप कराए चलो जी, इसको कर दो शॉर्ट क्वेश्चन को आके। इन द सर्किट सो इन द फिगर के इज ओपन द चार्ज ऑन कैपेसिटर Q1, स्टेडी स्टेट इज Q1, स्टेडी स्टेट का मतलब कंप्लीट चार्ज आ गया, और कंप्लीट चार्ज हम कहेंगे चार्जिंग हो गया, करंट का फ्लो बंद हो गया, उस कंडीशन में यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज जिसको मैंने Q1 बोला, और ये मिल जाएगा मुझे CE के बराबर। पूरी बात समझ में, अगला क्या कह रहा है वो, कहते सर्किट है पहले कुंजी के ओपन है, ठीक है, कुंजी के ओपन है तो यहाँ करंट फ्लो होगी, कब तक है, जब तक ये पूरा चार्ज, चार्ज फुली चार्ज का मतलब इसके टर्म में क्या आ गया, ई आ गया, तो तेरा क्यू क्या होगा, क्यू सी के बराबर, सी के बराबर होगा। अब क्या कहता है, ये कुंजी को बंद किया, अब इस कुंजी को बंद करें तो स्थायी अवस्था में संधारित्र, अब यदि कुंजी को बंद कर देते हैं तो स्थायी अवस्था में संधारित्र सी पर आवेश जी जी क्यू टू हो जाता है जी जी, जैसे इसको बंद करेंगे जी तो क्या होगा, बंद करेंगे अपने करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वही नहीं रहेगा, इससे कुछ कम हो जाएगा, कितना कम होगा वो मैं करंट से कैलकुलेट कर दूँ, निकालो, तो मैं करंट कैलकुलेट करूंगा सर्किट के, तो सर्किट में जो करंट चलेगी आई, आई की वैल्यू जो मिलेगी हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल ई के बराबर है, और टोटल रेजिस्टेंस जो मुझे मिला आर एन टू आर सीरीज में आ गया, थ्री आर आ गया, तो सी के अलॉन्ग अब जो मुझे पोटेंशियल मिलेगा वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू मुझे मिलेगी वी इक्वल्स टू आई आर से, आई आर कितना मिलेगा 2R, इसके समांतर में कौन है 2R, तो I की वैल्यू पुट करते ही मुझे V डैश मिला, और V डैश की वैल्यू कहेंगे E अपॉन में 3R मल्टीप्लाई 2R, अब R से R कैंसिल आउट हो गया 2E by 3, तो Q1 और Q2, Q2 की बात करेंगे तो Q2 जो मिलेगा कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, बट पोटेंशियल 2E by 3 हो गया, तो 2E by 3 का रेशियो कैलकुलेट कर देगा, रेशियो कैलकुलेट करते सीधे सीधे सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, और हमें जो मिला है 3/2 मिल गया, ये काम चीज होगी बिल्कुल। थैंक यू, आगे चले, ये लास्ट क्वेश्चन जी, 12 माइक्रोफेड संधारित्र के तीन संधारित्र हैं, उनके द्वारा मैक्सिमम और मिनिमम, देखो सुनो भाई, मैक्सिमम तो होंगे 12 गुणा 3 और मिनिमम होंगे 12/3, सीधा बढ़ता है n टाइम्स और n अपॉन n, तो 12 3 36 और 4 3604, ओके, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म। भाई बिल्कुल सॉरी बोल रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों आपके पास 17 को आना था, आना चाहिए था 17 जनवरी को आना चाहिए था, 1715 को आना चाहिए था, ये 15 को आना चाहिए था, आज 19 तारीख को आपको मिल रहा है, और आज 19 को एक सर्किट का वीडियो भी है जब आपको 20 को दे रहे हैं, तो मेरे गले में दिक्कत थी, बाकी 18 को ऑफलाइन खुल रहा था तो लोड भी था एडमिशन का, मैं शूट नहीं कर पाया। ओके डियर, रवि हमने आपको अभिषेक मिश्रा और रणवीर आपका परिचय कराया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी गुणित वीडियो आपको देंगे, ये किसको दिया पहले क्या दिया मिश्रा सर, पूरा अपराध हो गया, ठीक है डियर, ओके थैंक यू, जय श्री कृष्ण।